गुड इवनिंग गाइस। तो आज डे है थर्ड मेरे व्लॉगिंग का, और आज मैंने सुबह से कोई भी व्लॉगिंग नहीं की है। ये इसलिए गुड मॉर्निंग की बजाय गुड इवनिंग हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी सुबह से, तो मैं अभी व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हम पी रहे हैं अपनी चाय सो के उठने के बाद। अभी हमने बना ली है अपनी चाय सो के उठने के बाद, और ये है मेरी फेवरेट नमकीन, खट्टा मीठा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो अभी हमारा प्लान है पिज़्ज़ा बनाने का। हालांकि हमारे पास अवन नहीं है, पर फिर भी हम ट्राई करेंगे कढ़ाई में बनाने की कि कैसा बनता है कैसा नहीं बनता, कभी पोपट ना हो जाए। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा। तो गाइस, हमने ये पिज़्ज़ा का सामान ले आया है। ये है पिज़्ज़ा बेस, हमारे पास है टमाटो सॉस, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में भी कि मैगी का यूज़ ही करती हूँ मैं। और ये है हमारे पास जो पास्ता पिज़्ज़ा सॉस है, और ये है हमारा जो तंदूरी सॉस है, ठीक है। ये हमारी मेयोनीज आ गई है, और ये हमारा चिली फ्लेक्स, और ये हमारा सीजनिंग, और ये हमारा चीज़ आ गया है जो कि अमूल का हम यूज़ कर रहे हैं। और ये हमने थोड़ी शिमला मिर्च काटी है, ये थोड़ी हमने प्याज काट ली है। तो नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो हम पनीर, कॉर्न, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब सब कुछ डाल वाल के अच्छे से मस्त वाला बनाएंगे। तो अभी सिंपल वाला बना रहे वाले हैं। तो अभी हम सिंपल वाला पिज़्ज़ा बनाने की ट्राई कर रहे हैं, कभी खराबी हो जाए पोपट हो जाए। तो पहली बार जब बनाएंगे तो सिंपल बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो पनीर वगैरह। और तो हमने इस पर थोड़ा साइड साइड में घी लगा रहे हैं जिससे ये चिपके नहीं। हम पहला पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो अभी देखो हमने ये सील पैक वगैरह भी नहीं खोले हैं किसी भी चीज़ के। तो ये है हमारा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, इसे इस पर अच्छे से फैलाएंगे अब हम। तो ये हमने अच्छे से कर दिया है, इसको फैला दिया है। तो अब हम ये चीज़ इस पर घिस रहे हैं, डाल रहे हैं, इसे अच्छे से पूरा डालेंगे, फैला देंगे चारों तरफ से। तो ये हमने चीज़ डाल दिया है, अच्छे से फैला दिया इसमें। तो अब हम इसमें रख रहे हैं शिमला मिर्च वेजिटेबल। अब ये हम रख रहे हैं प्याज, अनियन। तो ये हमने अच्छे से इसको सजा दिया है। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा चीज़ और डाल रहे हैं हम। तो ये हम डाल रहे हैं मेयोनीज। तो ये डाल रहे हैं तंदूरी सॉस, जगह जगह डालेंगे इसे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे पास कोन टाइप नहीं है। तो ये डाल रहे हैं हम चिली फ्लेक्स। पैकेट हम अभी खोल ही रहे हैं नए नए। यह है पिज़्ज़ा सीजनिंग। ये हम क्योंकि हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा है ना, आज तक हमने कभी पिज़्ज़ा बनाने का ट्राई नहीं किया। तो ये डाल रहे हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो ये हमारा अभी बनने से पहले है, बनने के बाद देखते हैं कैसा बनता है। ये हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें नमक डाल दिया है। ये हमने इसमें एक स्टैंड रख दिया है, इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा रखेंगे थाली में करके। पहले इस नमक को अच्छी तरह गरम होने देंगे। मैंने रख दिया है बहुत ही मुश्किलों के साथ, क्योंकि ये बहुत गरम हो रहा था। अब हमने इसको ढक दिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट तक हम ऐसे ही रखेंगे, फिर चेक करेंगे बनाए कि नहीं बनाए। तो ये तैयार हो गया, अब हम इसे चाकू से कट करेंगे। करके बताती हूँ गाइस कैसा बना है, देखते हैं। ये देखिए चीज भी इसमें खिंच रहा है। वाह, जबरदस्त बनाया यार, बहुत बहुत। फाइनली हमारा पोपट नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया बना है। तो नेक्स्ट टाइम हम पनीर वनीर डाल के कॉर्न चीज ये सब बनाएंगे मस्त, बहुत ही गजब बना है।